ये कोई अलग नहीं है, मैं कोई अलग नहीं हूं, मैं भी आप ही की तरह हूं। मैंने जैसे बताया अपने बारे में, बिल्कुल बैकग्राउंड जीरो, कोई लिंक नहीं, कोई जान नहीं, पहचान नहीं, कुछ नहीं। फिर भी हम कर गए। क्यों कर गए? क्योंकि हमें विश्वास था और हम लगे रहे। हमें विश्वास किस पे था? खुद पे विश्वास था। हमें विश्वास था जो इस बिजनेस को देखा हमने, इतनी बड़ी कंपनी जो पूरी दुनिया में काम कर रही है, इतने शानदार प्रोडक्ट, इतना अच्छा माहौल है, तो क्यों नहीं? तो हम जब दुनिया कर रही है, दुनिया कामयाब हो रही है, तो हम क्यों नहीं हो सकते हैं? ये सोच के हमने शुरुआत की थी। और मैं आपको एक ही चीज बोलना चाहूंगा, सिर्फ एक ही फार्मूला है आगे बढ़ने का, एक ही सोच है, एक ही बात सोचनी है। जब ये सब कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, हम क्यों नहीं कर सकते? बस जब ये लोग अमीर हो सकते हैं, जब ये लोग लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं, जब ये कामयाब हो सकते हैं, हम क्यों नहीं? बस आपको एक ही बात पूछनी है, और जो हम सिस्टम बता रहे हैं उस सिस्टम को फॉलो करते चले जाइए, और यकीन करना आपको पता भी नहीं चलेगा कि वाकई में वो चमत्कार हो गया जो अभी हम आपको बता रहे हैं। क्योंकि जब मेरे को इस बिजनेस में आया था तो यकीन करना कुछ सॉफ्टवेयर पॉजिटिव था पहले से ही, मेरे को लगता है इसलिए मैंने नेगेटिव ना सोच के मैंने पॉजिटिव साइड, जैसे होता ना, नहीं हुआ तो मैंने बोला अरे हो गया तो, मैं कहा अगर हो गया तो ना जिंदगी बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो मैंने पॉजिटिव सोचा, हो गया। अगर मैं सोचता नहीं हुआ तो मैं करता ही नहीं, तो होता ही नहीं। तो इसीलिए बोलते हैं कि जो सोचते हो आप जिंदगी में वैसे आप बन जाते हो। अगर आप पॉजिटिव सोचोगे सब कुछ पॉजिटिव होगा, अगर नेगेटिव सोचोगे तो सब कुछ नेगेटिव होगा। पूरी दुनिया घूमने का मौका, पूरी दुनिया में मीटिंग हो रही है, सेमिनार हो रहा है, ट्रेनिंग हो रहा है, घूमना फिरना मौज मस्ती, आपके पास मौका है, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? आप भी कर सकते हैं। आने वाले 5 साल में, अगले 10 साल में आप देखिए दुनिया के 50 कंट्री घूम चुके होंगे आप भी, व्हाई नॉट, फ्री में सोचिए। तो ये पॉसिबिलिटी है बिकॉज ऑफ एक प्लेटफॉर्म की वजह से। हम तो वही हैं, चीजें बदल गई हैं। क्यों बदल गई हैं? क्योंकि हमने रास्ता बदल दिया, हमने रास्ता बदला, हमने अपॉर्चुनिटी बदली, हमने अपने काम करने के तरीके को बदल दिया, मेहनत करने का तरीका बदल गया, जगह बदल गई, सिचुएशन बदल गई। तो आपको भी ऐसा ही करना है, कोई एक्स्ट्रा कोई काम नहीं है, बहुत सिंपल है। यूज करना है प्रोडक्ट को नंबर वन, शेयर करना है बिजनेस को नंबर टू, और केयर करना है लोगों को, जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ में अटैच रहिए, टाइट कम्युनिकेशन में रहिए। टाइट कम्युनिकेशन का मतलब होता है जो भी आपके कामयाब लोगों के साथ में लिंक होने चाहिए, उनसे कॉन्फिडेंस मिलता है, उनसे नॉलेज मिलता है, उनसे उनका एक्सपीरियंस मिलता है। मैंने इस बिजनेस को लगभग 17-18 साल से कर रहा हूँ, तो आज आपको जो भी बातें मैं करता हूँ तो समझ लो 18 साल का निचोड़ है। आप अपनी जिंदगी का बहुत ही बेहतरीन टाइम बचा रहे हैं, शायद आपको स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा जितना स्ट्रगल हमने किया, जहां जहां हमने दिक्कतें हुई, क्या क्या दिक्कतें आती हैं, क्या क्या तकलीफ होती है, वो सारी चीजें आपको पता लग जाएंगी। काम करना आसान है। तो एक ही चीज है कि कामयाब लोगों की तरफ ध्यान दीजिए, उनकी बातों को सुनिए और आगे बढ़िए। क्योंकि ये जो बिजनेस है दोस्तों, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल बिजनेस है। अपने सीनियर से पूछो कैसे, अपने जूनियर को बताओ वैसे, और बीच में कमाओ पैसे ही पैसे। तब सोचो नकल का बिजनेस है, बट नकल के बिना भी अकल चाहिए। अकल कितनी चाहिए? बस नकल करने लायक अकल चाहिए, इतनी तो भगवान ने दे ही रखी है, उसको बोलता हूँ मैं कॉमन सेंस। सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए। पढ़े लिखे हो तो अच्छी बात है, अगर आप अनपढ़ हो तब भी आप सुपर सक्सेसफुल हो सकते हैं इस बिजनेस में। दोस्तों आपके जान पहचान है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तब भी आप कामयाब हो सकते हो। अगर आप मैच्योर हो तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं बोलता हूँ अगर आप स्टूडेंट हो तब भी आप कामयाब हो सकते हो। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल वुमेन हो अच्छी बात है, अगर आप हाउस वाइफ हैं तब भी बल्ले बल्ले कर सकते हो। और यहाँ पर अगर आप रिटायर्ड पर्सन है ना दोस्तों, तो भी बल्ले बल्ले, क्योंकि यहाँ पर रिटायर्ड लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, यहाँ हाउस वाइफ लाखों रुपए कमा रही है, यहाँ पर स्टूडेंट कमा रहे हैं। सोचिए आप, जिस उम्र में हम लोग स्कूल कॉलेज में जाते थे उस उम्र में यहाँ पर बच्चे लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं। वाई? बिकॉज द पावर ऑफ सिस्टम। माहौल में दम है, चीजों में दम है, दुनिया बदल गई है, ऐसे पैसे कमाने के तरीके बदल गए हैं। समय के साथ हर चीज बदल रही है, तो पैसे कमाने का भी तरीका बदल गया है। पहले कहते हैं ना, लाखों कमाने के लिए करोड़ों लगाने पड़ते थे, और हजारों कमाने के लिए लाखों लगाने पड़ते थे। आज रिवर्स हो गया है, हजारों लगाकर लाखों करोड़ों लगाने कमाने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो मेरे ख्याल से आप समझदार हैं, और समझदार लीडर्स को कुछ कहते कहते अलग से बताने की जरूरत नहीं है, बट इशारा काफी होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सिस्टम के माध्यम से अगर कोई भी गेस्ट आए हैं, उनको मोटा मोटा समझ आया होगा। पहली बार मोटा मोटा समझ आता है,
कोई भी दुनिया में ऐसी चीज नहीं है जो समझ आ जाए। और कुछ लोग बोलते हैं जब समझ आएगा तब करेंगे, मैं बोलता पूरी जिंदगी निकल जाएगा समझ नहीं पाओगे, क्योंकि आज तक मुझे भी नहीं समझ आ रहा है भाई, इतना ही समझ आया था। दुनिया का भैया दुनिया का हो रहा है, हम करेंगे तो हमारा भी होगा, दुनिया का भी हुआ हमारा भी हो रहा है, और फ्यूचर को लेकर हम बहुत एक्साइटेड हैं। क्यों? कि फ्यूचर इज अनलिमिटेड, माहौल जबरदस्त है। आपने देखा दुनिया में हिंदुस्तान 15वें स्थान पे इस टाइम, हिंदुस्तान में जो माहौल है डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का, मल्टी लेवल मार्केटिंग का, जो जेन्युइन कंपनी है, हमारी कंपनी इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में जुड़ी हुई है, IGSA में, WFGSA में, तो एक ऐसी कंपनी है जो मोस्ट रेपुटेबल रेपुटेशन वाली कंपनी है, मोस्ट रिस्पेक्टेड कंपनी है दुनिया के अंदर। तो इस कंपनी में काम करने का मतलब है आप अपने फ्यूचर को, अपने कैरियर को, अपने भविष्य को एक बेटर करने की तरफ जा रहे हो। आने वाले साल, दो साल, तीन साल, चार साल में जब आप यहाँ पर रॉयल्टी भी जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर रॉयल्टी भी जाने के लिए लोगों ने एक एक साल लगाया है, एक एक डेढ़ डेढ़ साल में लोग रॉयल्टी पे गए हैं, दो साल के अंदर रॉयल्टी पे गए हैं और बहुत शानदार रॉयल्टी पे गए हैं, तो आप क्यों नहीं। मैं एक चीज कहना चाहूंगा दोस्तों, जो भी हमारे लीडर्स हैं, बिजनेस पार्टनर हैं, आप अपने आप को विजुलाइज कीजिए, अपने गोल सेट कीजिए, अपने टारगेट सेट कीजिए। क्या अभी तक आपने अपना गोल सेट किया है? क्या अभी तक आपने टारगेट सेट किया है कि आप कब बनेंगे एट स्टार? कहीं पे डेट लिखी है? कहीं पे डेट डाला है? गोल सेट किया है कि मैं यहाँ पे पहुंचूंगा इतनी तारीख को? इसके बाद आपने डिसाइड किया है कि ब्रॉन्ज लाइन रॉयल्टी पे कब जाना है, सिल्वर लाइन कब बनना है, गोल्डन लाइन कब बनना है? इसलिए दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ इस पैनल में बैठे हुए सभी लीडर्स को कि अपने डायरी में लिखने की आदत डालिए, बिना लिखे काम नहीं चलेगा। मेरे ख्याल से एक आधा आदमी हो सकता है 100, 150, 200 आदमी में एक आदमी अनपढ़ हो सकता है, और मुझे नहीं लगता आजकल अनपढ़ भी अनपढ़ है, क्योंकि आप पढ़े लिखे नहीं भी हो ना तो आपके अगल बगल में तो लोग रहते हैं, उनसे लिखवा लीजिए, उनसे पढ़वा लीजिए, काम हो जाएगा। बट मैं कहना चाहूंगा कि लिखने की आदत डालिए। स्कूल कॉलेज में हम गए थे तो वहीं नहीं हमने पढ़ना था, जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई लिखाई की हमने दोस्तों, क्या आपको अमीर बनना सिखाया? क्या वहां पर आपको कामयाब बनना सिखाया? यहाँ क्या आपको प्रेजेंटेशन दिखाना सिखाया? वहां पर कोई फार्मूला बताया आपको? पढ़ाई लिखाई हमने खूब कर ली है, खूब गणित कर लिया, खूब हिंदी कर ली, खूब अंग्रेजी कर ली, लेकिन क्या हुआ? अब समय आया है हिंदी अंग्रेजी करने का, गणित लगाना है तो आप लगाइए। जब वो गणित लगाया था उसका कुछ नहीं होने वाला, मेरे ख्याल में 1% लोग नहीं है जो गणित को यूज कर पाते हैं, लेकिन जो सीखा था ना गणित का, अब यहाँ कैलकुलेशन करिए कि जो आप काम कर रहे हो उस काम को कितने साल करोगे, तब आप सपनों की दुनिया में जाओगे। अपने सपनों को कब पूरा करोगे आप जिस काम को कर रहे हो? अगर आपको लगता है या इस काम को करके तो अगले 20 साल में भी नजर आ रहा है, तो भाई साहब बदल दो अपने रास्ते को, आ जाइए नई लाइन में, क्योंकि अभी भी देर नहीं हुई है। नहीं तो क्या होता, जिंदगी निकल जाती है दोस्तों, बाद में लगता है काश किया होता मैंने, राइट। तो मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि कैलकुलेशन आप करने का वक्त आ गया है, पढ़ाई लिखाई करने का वक्त आ गया दोबारा से, लेकिन ये कोई पढ़ाई लिखाई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मगजमारी करनी है, कोई ज्यादा दिमाग लगाना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ कुछ ऐसी चीजें फिक्स हैं जो हम बताएंगे, वो करते चले जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कैसे हो गया और कब हो गया। तो कुछ लोग मुझे भी पूछते हैं ये सर कैसे किया, तो मैं एक ही बात बोलता हूँ दोस्तों, मैं करता चला गया, मैं करता चला गया, मैं करता चला गया। और अगर मैं आज बात करूं तो आज तक मुझे भी समझ नहीं आया कैसे हो गया, हो गया, आप समझिए हो गया। कोई बोलो ना मैंने किया, मैं बोलता कोई नहीं कर सकता है। एक ही फार्मूला पता चला मुझे, सिर्फ टिके रहो और लगे रहो, टिके रहो लगे रहो। इसके अलावा दूसरा फार्मूला मैं ढूंढ ढूंढ के थक गया हूं। मैंने भी और होता नहीं, क्या बोलते उसको, माइक्रोस्कोप होता ना, लगा के देखता हूं मैं ये कहां, मैं खूब सोचता हूँ, खूब दिमाग लगाता हूँ हमने ऐसा क्या फार्मूला लगाया है। तो मेरे को एक कुछ भी समझ नहीं आया, मैंने ये देख लिया इस काम के अंदर वही आदमी कामयाब है जो भिड़ गया, जो लग गया ना। लेकिन फेल कौन है? जो आधे मन से लगे हुए, कच्चे मन से लगे हुए, विश्वास ही नहीं है, कर रहे हैं बस कर रहे हैं ना, नहीं चलेगा। कैसे करना पड़ेगा? सच्चे मन से, सच्चे दिल से। ये नहीं दिल दिया है जहां भी देंगे, है ना, पीछे मुड़ के मत देखना। लोग बोलते ना सर हम आपके साथ में हैं, बस पीछे मुड़ के मत देखना, वो नहीं करना है, देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। एक तरफा टारगेट बना के आपने देख लिया, विश्वास आ गया सिस्टम पे, आपको लगता है इस सिस्टम से मेरी जिंदगी बदल जाएगी, तो नेक्स्ट क्वेश्चन खत्म, अब एक्शन। और जो भी देखना है, वो कहते हैं ना रिश्ता लगाने से पहले, रिश्ता होने से पहले जो पता करना कर लो,
सगाई करने से पहले जो पता करना है कर लो, शादी होने से पता पहले पता करना कर लो, उसके बाद कुछ पता नहीं करना है। अब आगे की तरफ चलेगी कहानी, है ना। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं वो 24 घंटे डाउट में जीते हैं, उनका कुछ नहीं हो सकता है। इस बिजनेस में आपने जो देखना आज की डेट में पूरी दुनिया खुली है, ओपन किताब है, पूरा वर्ल्ड जो है खुला हुआ है। अब देख सकते हो क्या है दुनिया में, यहाँ कहाँ से, कितने साल से काम कर रही है, कितने लोग काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान में कितने साल से काम कर रही है, हिंदुस्तान में मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, वोकल फॉर लोकल हो रहा है, रोजगार मिल रहा है लाखों लोगों को। सोचिए आप आज की डेट में कितनी नौकरियां मिल रही हैं। आप नौकरी ढूंढने का जमाना खत्म हो गया है, नौकरियां ढूंढनी नहीं है, नौकरियां ना देनी है ना ढूंढनी है। आज की डेट में बिजनेस देना है और बिजनेस करना है, बिजनेस करो बिजनेस दो। सोचिए कितनी बड़ी बात है। हम जैसे आम आदमी, आप क्या कभी अपना, आप कभी सपने में सोच सकते थे कि आप किसी को बिजनेस दोगे जिंदगी में? सोचिए आप अपने मन से क्या आपकी हैसियत है। जब मैं इस बिजनेस में आया दोस्तों, मुझे इस बिजनेस से प्यार हो गया। क्यों हो गया प्यार, मैं आपको बताता हूँ। इस बिजनेस से इसलिए प्यार हुआ कि पहले दिन ही मेरे को बड़ा अच्छा लगा यार, मैं तो ना अब बड़ा आदमी बन गया हूँ। कैसे? क्योंकि दूसरों को काम करने का, रोजगार का मौका देना बहुत बड़ी बात थी। भाई मैं कौन होता हूँ दूसरों को रोजगार देने वाला, लेकिन मौका था, अपॉर्चुनिटी थी, काम ही ऐसा है। आप समझ सकते हो इस काम को करते हुए जो प्राउड फील होता है ना, कि वाकई में हम लोगों की जिंदगी को बेटर करने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए बोलते हैं जिंदगी में पैसा कमाना ही सक्सेस नहीं है, जिंदगी में अमीर बनना ही सक्सेस नहीं है। जब आप लोगों को हेल्प करते हो कामयाब होने में, सबसे बड़ी वो चीज है, सबसे बड़ी कामयाबी वही है, सबसे बड़ी अमीरी हमारी इसमें है जब हम अपने आप नहीं, हमारी टीम में पैसा कमाती है। आज मुझे प्राउड फील करता हूँ, पिछले 17 साल में हजारों लोग हमारी जिंदगी में आए हैं टच में, जिनको गुड फीलिंग आई, कॉन्फिडेंस आया, उन्होंने काम किया और वो आप अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। तो मैं यही दुआ करता हूँ कि आप लोग भी ऐसी फीलिंग रखिए कि आज के बाद आप जिंदगी में लोगों को मौका देंगे। दोस्तों को, दोस्तों ये बिजनेस लोगों को जोड़ने का है। जोड़ने का मतलब होता है अच्छा काम, तोड़ना बुरा काम। जोड़ना मतलब अच्छा काम, ये फंसाने का काम नहीं है। कुछ लोग बोलते ना, भाई साहब मैं तो फंस गया हूँ, मैं औरों को फंसाऊंगा, ये नेगेटिविटी है। इसका मतलब आप इस बिजनेस को गेम समझ रहे हो। ये बिजनेस गेम नहीं है, ये बिजनेस बिजनेस है। इस बिजनेस में आप गेम नहीं खेल रहे हैं, इस बिजनेस में आप किसी की जिंदगी के साथ गेम नहीं खेल रहे हैं, किसी की जिंदगी को बनाने का काम है ये। किस तरीके से? नंबर वन हेल्थ से, नंबर टू वेल्थ से, और नंबर थ्री जो लाइफ स्टाइल यहाँ मिलता है, जो पर्सनैलिटी बनती है। मैं चार आदमी के साथ बात नहीं कर सकता था दोस्तों, जब मैं स्कूल में था और कॉलेज में था तो हम चार लोग थे, प्लस वन में, प्लस टू में, कॉलेज में चार दोस्त थे, एंड तक हम चार ही थे। हमने पांचवा कोई दोस्त ही नहीं बनाया। हम इतने ज्यादा अंतर्मुखी थे, इंट्रोवर्टेड थे, हमें किसी से बात करने में हिचक होती थी, झिझक होती थी, डर लगता था, लोग क्या सोचेंगे क्या बोलेंगे, ऐसा मन करता था उस टाइम। बट आज देखें आप दुनिया भर के लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये इस बिजनेस की पावर है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसी हो जाएगी, आप पब्लिक स्पीकर बन जाओगे, है ना, आप भाषणबाजी दे रहे होंगे, दुनिया को समझा रहे होंगे, ट्रेनिंग दे रहे होंगे, मोटिवेट कर रहे होंगे, एजुकेशन दे रहे होंगे। मैं एक ही बात बोलता हूँ, जब मैंने किया आप क्यों नहीं। जैसे आज की थीम है, आज का प्रोग्राम का थीम है, आपने शायद सुना भी होगा, उस थीम में हमने एक बात बोली है, अपनी कहानी अपनी जुबानी। हम आपके बीच में अपनी फीलिंग शेयर कर रहे हैं। जब मैं इस बिजनेस में आया था, मैं बिल्कुल हिमाचल का ठेठ पहाड़ी बंदा था। आप समझ सकते ना, हिमाचल के ठेठ पहाड़ी बंदे, जिनको ढंग से हिंदी भी बोलने नहीं आती है, या मतलब वो कम्युनिकेशन नहीं था। बट फरीदाबाद में आके, दिल्ली में आके, धीरे 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 जब मैं इस इंडस्ट्री में आया, तब जाकर जिंदगी पटरी पर आई। तो फरीदाबाद में भी मैंने कुछ साल स्ट्रगल किया। तो कहने का मतलब, अगर आप जो लोग खुश नसीब हैं, जो सीधा पढ़ाई लिखाई के बाद इस इंडस्ट्री में आए हैं, बहुत सारे लोग हमारे बीच में ऐसे होंगे जो पिछले 5-10-15 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, अब जाके किस्मत ने जोर मारा है। बट अभी भी कब काम होगा दोस्तों, अब भी कब काम होगा, जब इस काम को करेंगे। इस बिजनेस में जुड़ना एक अलग बात है, इस बिजनेस में जुड़कर काम करना वो दूसरी बात है।
जो कामयाबी मिलेगी वो काम करने से मिलेगी, क्योंकि ये कोई लॉटरी का टिकट नहीं है। ये जो बिजनेस है ये लॉटरी का टिकट नहीं है, ये प्रॉपर बिजनेस है आपकी जिंदगी के लिए। आप अपनी जिंदगी को बदलने के लिए इस इंडस्ट्री में आए हो। इस इंडस्ट्री में अब आपको वही मेहनत करनी है जैसे आप नौकरी करते हैं ना 8 घंटा, वैसे ही। और मैं आपको बताना चाहूंगा, वैसे जितने भी लीडर्स हैं और बाई चांस हमारे बीच में जो नए दोस्त भी आए हैं, उनको बताना चाहूंगा, अगर इस बिजनेस में आप काम करने के लिए आए हैं तो इस बिजनेस को करना, नहीं तो आप कंज्यूमर बन जाओगे। कंज्यूमर जानते हैं आप, जो खाएंगे पिएंगे और भूल जाएंगे, कंज्यूमर, राइट। बट जिसने बिजनेस करना है ना दोस्तों, इसको बिल्कुल ईमानदारी के साथ। अगर आप पार्ट टाइम करते हो तो पार्ट टाइम भी ईमानदारी के साथ। अगर आप इस काम को फुल टाइम करना चाहते हो, 8, 10, 12 घंटा लोगों से मिलिए, लोगों से बातचीत करिए, लोगों को समझाइए, लोगों को मिलिए, लोगों से बातचीत करिए, लोगों को समझाइए। अभी आप नए हैं, जब आप नए होते हो तो मिलने में भी समझ नहीं आएगी, मिलें कैसे, मिलोगे तो बताएं कैसे, बताओगे तो पता नहीं कैसे कैसे बता दोगे आप, बट फिर भी बताइए। क्यों बताइए? क्योंकि परफेक्ट कभी भी आदमी पहले दिन नहीं होता है। करते जाएंगे समझ आ जाएगी कहाँ गलती हो रही है, क्या गलती हो रही है, कौन सी गलती नहीं करनी आगे से, फिर आप अपना ध्यान रखना शुरू करेंगे। लेकिन जो लोग सोचते हैं ना मैं पहले पूरी तैयारी करूंगा फिर मैं जाऊंगा, वो कभी नहीं करते हैं। नोट कर लो डायरी में, कोई भी इंसान कामयाब बिना किए नहीं हुआ है आज तक। कोई भी इंसान कामयाब जो है करके ही हुआ है। करने का एक ही तरीका है कि आपको लोगों से जाके मिलना है। अब अपने आप से पूछिए, जितने भी लीडर्स हैं, क्या आप नए लोगों से मिल रहे हैं, क्या आप नए लोगों से बातचीत कर रहे हैं, क्या नए लोगों को प्लान दिखा रहे हैं, नए लोगों को डेमो दे रहे हैं? सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल। इस बिजनेस में कामयाब होने का, आम आदमी समझता है मेरी बातों को, कि नए लोगों से मिलना है फार्मूला नंबर वन। मिल सकते हैं? जी मिल सकते हैं। नए लोगों को समझाना है, अब कैसे समझाना है, कितना समझाना है, उसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो आपका इमीडिएट सीनियर है उससे बात कीजिए। उसके अलावा हमारा वेबिनार में प्रोग्राम हो रहा है हर रोज, इसको अटेंड कीजिए। इसके अलावा यूट्यूब में जाइए, यूट्यूब में हमारे सैकड़ों वीडियो हैं, आप उनको सुनिए, आपको समझ आ जाएगा किन किन बातों का ध्यान रखना है मुझे। तो क्या होगा दोस्तों, काम करना आपके लिए समझ आ जाएगा कि काम कैसे करना है। और जो रिजल्ट की बात आती है दोस्तों, जब आप अच्छा करेंगे तो अच्छा इम्पैक्ट जाएगा, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएंगी। लेकिन 100% रिजल्ट किसी भी काम में नहीं है दुनिया में। कोई भी काम, धंधा, बिजनेस, नौकरी कर लो, 100% सक्सेस किसी भी काम में नहीं है। जो बच्चे सुबह क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं, जो बच्चे एथलेटिक में जाते हैं, जो बच्चे स्पोर्ट्स में जाते हैं, क्या सभी बच्चे नेशनल खेलते हैं, क्या सभी बच्चे इंटरनेशनल खेलते हैं, क्या सभी बच्चे ओलंपिक में जाते हैं, सभी बच्चे क्रिकेटर बनते हैं? नहीं बनते हैं। एवरेज कौन बनेगा? जो ज्यादा अच्छी मेहनत करेगा, क्योंकि वहां पे पॉसिबिलिटी कम है। इंडिया की टीम में सिर्फ 11 खिलाड़ी चाहिए क्रिकेट में, लेकिन ये वाली बाउंडेशन यहाँ पर नहीं है। यहाँ पे आप लाखों, हिंदुस्तान 135 करोड़ लोगों का देश है, यहाँ पर आप जितने मर्जी चाहे उतने लोगों को जोड़िए, लोगों की कमी नहीं है। यहाँ आपके कामयाब होने के पूरे चांसेस हैं, पूरे के पूरे। और यकीन करना दोस्तों, आज मेरी टीम में लाखों लोग हैं, जो मेरी टीम में लाखों लोग जुड़े हैं ना, मैंने थोड़ी जोड़ा है, मैंने सिर्फ कुछ लोगों को जोड़ा था, क्योंकि जोड़ने का काम था, कुछ लोगों को जोड़ा और उन्होंने कुछ लोगों को जोड़ा और लोग जोड़ते चले गए और लोग लाखों में चले गए। तो आप सोच रहे होंगे इसे ये 2 लोग कैसे होंगे, 4 लोग कैसे होंगे, 10-20 कैसे होंगे? दोस्तों करते करते आपको भी पता नहीं चलेगा कैसे हो गया। तो शुरुआत कीजिए, जो नए गेस्ट हैं शुरू कीजिए, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम कहीं से भी। और जो जुड़े हुए लोग हैं, आप बैठे बैठे कईयों बार सोचते भी होंगे पता नहीं कौन सा फॉर्मूला मिल जाए और कल से मेरा काम सातवें आसमान में चला जाए। लेकिन मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आपका काम सातवें आसमान में सिर्फ तभी जाएगा जब लोगों से जाकर मिलोगे, लोगों से बातें करोगे, लोगों को प्लान दोगे, डेमो दोगे, उनको क्लोज करोगे, बस। अब ये काम ना करके आप जितना मर्जी लेफ्ट राइट कर लो बातें, कुछ नहीं होने वाला। और ये काम करने के लिए पढ़ा लिखा होने की कोई जरूरत नहीं है, जैसे मर्जी हो चलेगा। पढ़े लिखे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो
तो मैं बोलता हूँ और भी बढ़िया। तो मेरा एक ही मैसेज है दोस्तों, मैं इस बिजनेस में आया था तो स्ट्रगल किया हमने भी, आपके लिए वही है, आपको भी स्ट्रगल करना पड़ेगा। जितने भी कामयाब लोगों हैं दुनिया में, इस इंडस्ट्री में, सबने मेहनत की है, सबने स्ट्रगल किया है, सबकी कहानी है। तो अगर आप अभी स्ट्रगल नहीं कर रहे हो तो आपकी सक्सेस की स्टोरी लिखी नहीं जाएगी, यह पक्की बात है, पक्की बात है। क्या अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, काम कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो, आपको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, लोग आपको मना कर रहे हैं, इसका मतलब आप काम कर रहे हो, इसका मतलब आपकी कामयाबी के चांसेस पक्के हैं। आप लोगों से बातें नहीं करोगे, लोगों से मिलोगे नहीं, लोग आपको हाँ या ना करेंगे नहीं, रिजल्ट आएगा नहीं, तो कैसे मंजिल तक पहुंचेंगे? जब मंजिल की तरफ जाते हैं दोस्तों, कहीं पे हमें तकलीफ होती है, मौसम खराब होता है, कहीं रोड खराब होता है, कहीं टायर पंचर हो जाता है, कहीं कोई तकलीफ होती है, लेकिन आपने ठान रखी है ना मुझे मंजिल तक जानी है, तो क्या होगा, आप सबको सोल्यूशन करते 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 अल्टीमेटली पहुंच जाएंगे। तो जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था दोस्तों, तो मुझे कुछ सीखने का मौका मिला, कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा जिसका आपको ध्यान रखना चाहिए। नंबर वन पॉइंट क्या है, वो कुछ पॉइंटों में से नंबर वन पॉइंट ये दोस्तों कि जो आपकी पर्सनैलिटी है ना, द पर्सनैलिटी मस्ट बी प्लीजेंट पर्सनैलिटी। नंबर वन पॉइंट है आपकी पर्सनैलिटी प्लीजेंट होनी चाहिए। प्लीजेंट पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? हंसमुख चेहरा, हंसता हुआ चेहरा, खिलता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक्साइटमेंट वाला चेहरा, एनर्जी वाला चेहरा। अब इसके अपोजिट कर लो सब कुछ, एनर्जी नहीं है, मरे पड़े हैं, थके पड़े हैं, डिप्रेस हुए पड़े हैं, 12 बजे पड़े हैं शरीर के, आपकी बॉडी के, है ना, जो आपने कपड़े पहन रखे हैं बिल्कुल बेतरतीब है ना, लग रहा भाई अनप्रोफेशनल है, लापरवाह है ना, बेवकूफ आदमी लग रहा है, तो क्या होगा, काम खत्म, शुरुआत ही जीरो से। तो दोस्तों आपको ये चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। पहला, क्या सबके लिए बहुत बढ़िया है, क्या कंपनी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा, प्लान अच्छा, सब कुछ अच्छा है, बट कामयाब कौन होंगे जो उसके साथ में अपने आप को बैलेंस करेंगे। जैसे होता ना चार टायर होते हैं गाड़ी के, चार टायर, तो कंपनी, प्रोडक्ट, प्लान, तीनों टायर बढ़िया है, चौथा टायर हम है, हम है ना, अगर हमारा टायर पंचर होगा ना तो ये गाड़ी चलने वाली नहीं है, तो हमको क्या करना है, हमें अपने आप को ठीक करना है, चौथा टायर है हम, किसी गाड़ी का चौथा पहिया है हम, इस पहिया को पंचर नहीं होने देना है, पंचर नहीं होने की निशानी है प्लीजेंट पर्सनैलिटी। चाहे आपकी जिंदगी में कितनी तकलीफ चल रही है, कितनी दिक्कत है, दुख है, परेशानियां हैं, फिजिकली, मेंटली, सोशली, ना जाने किस तरह की टेंशन चल रही है, लेकिन आप कामयाब होना चाहते हैं, सबको ताला लगा दे, घर में छोड़ के आ जाइए। जब आप काम करने निकलते हो, यू मस्ट हैव अ प्लीजेंट पर्सनैलिटी, चार्मिंग पर्सनैलिटी, खुश मिजाज, हंसता खिलता हुआ चेहरा, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू, आप जब लोगों से बातचीत करते हो दोस्तों, तो आई टू आई कॉन्टेक्ट, आप उनकी आंखों में आंखें डालकर बात कीजिए, उससे आपका कॉन्फिडेंस शो होता है। जब आप कॉन्फिडेंस नहीं होता है आपका, तो आप उसकी आंखों में आंखें डाल ही नहीं सकते हो। और आंखों में आंखें डालने का मतलब क्या होता है कि जो चीज आप बोल रहे हो ना दोस्तों, वो सच है, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस होगा दोस्तों इस कंपनी के जब प्रोडक्ट यूज करोगे, जो एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर जो है हजारों साल पुरानी साइंस है, कोई नई तो है नहीं, आपको टेंशन नहीं है, रिजल्ट 1000% है। मतलब ऐसे प्रोडक्ट है दोस्तों, ऐसे प्रोडक्ट किसी कंपनी के पास नहीं है दुनिया में, सोचो आप किसी भी कंपनी के पास में इस तरह के प्रोडक्ट नहीं है, हम कितने लकी हैं। मतलब ऐसा काम है हमारा, मैं यकीन करना, इवन डॉक्टर के भी, डॉक्टर को भी वो कॉन्फिडेंस नहीं होता है जो हम लोगों को होता है, हमारे लीडर्स को होता है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स को होता है। क्यों? हमने कुछ नहीं करना है, जो भी करना मशीन ने करना है, आप समझ गए, हमने कुछ नहीं किया, जो भी किया मशीन ने किया, हमें थोड़ी पता डायबिटीज हुई पड़ी है, हमें थोड़ी ब्लड प्रेशर की समस्या है, हमें थोड़ी पता उसके घुटने में दर्द है या उसके सिर में दर्द है या उसके हार्ट में दिक्कत है, हमें तो कुछ पता नहीं है, हमको अंतर्यामी भी नहीं है, हमको ज्योतिषी भी नहीं है, बट हमें पता कैसे लगता है, जब हम मशीन से चेक करते हैं ना तो मशीन बताती है, सामने वाला बोलता भाई साहब है, हम बोलते ये है, बोला बिल्कुल है, आपको कैसे पता, मैं हमें कुछ पता नहीं है, ये मशीन बता रही है। सोचिए आप, अमेजिंग, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट कंपनी के पास में, नैपकिन, ऐसी ऐसी बहन बेटियों की जिंदगी बदल गई,
जिनके बच्चे कंसीव नहीं हो रहे थे, इन नेपकिन ने उनके बच्चों को कंसीव करने की वो कर दिया, कल्याण कर दिया। सोचिए आप, अनगिनत लेडीज हैं ना जाने कैसी कैसी बीमारियों से पीड़ित थी, डॉक्टर बोला तुम्हारा यूट्रस घटाना पड़ेगा, ऑपरेशन करना पड़ेगा, दो दो तीन तीन महीने यूज करने के बाद में आज उनके यूट्रस कैंसिल हो गए, सोचिए ऑपरेशन होने से। इसके अलावा सप्लीमेंट की ताकत है, सोचिए आप। तो दोस्तों, वी आर सो लकी, तो आपको यूज करोगे ना खुद भी, कॉन्फिडेंस होगा, आप आंखों से आंखें मिला के बात करोगे, ये बहुत जरूरी है। अगर आपने आंखों से आंखें देखा बात की, और आपको मोटा मोटा पता होना चाहिए, ज्यादा मेडिकल साइंस में घुसने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मोटा मोटा पता होना चाहिए, ये प्रोडक्ट ये करता है, ये प्रोडक्ट ये करता है, गिनती के तो प्रोडक्ट है। और मार्केटिंग प्लान बड़ा सिंपल है, ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम, दैट्स इट। डायरेक्ट बोनस इतना आता है और मैचिंग बोनस इतना आता है, कोचिंग इतना आता है, बस बाकी जब आएगा जब देखेंगे बोले। सब कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, फिर बताइए स्टोरी। नंबर थर्ड क्या आता है? नंबर थर्ड आता है दोस्तों ब्रीफ, मतलब ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस। नंबर वन प्लीजेंट पर्सनैलिटी, लिख लीजिए डायरी में। नंबर वन सिंप्लीफाइड करके बता रहा हूँ, नंबर वन प्लीजेंट पर्सनैलिटी, नंबर टू ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस प्रोडक्ट। ब्रीफ वर्ड लिखिए, ब्रीफ। हम क्या करते हैं, हम पूरी राम कहानी बताते हैं। आप बताओ, याद कर लो, हम अगर जब बताते हैं राम कहानी कितनी याद रहती है किसी को, हमें कितनी याद रहती थी, ठीक है। हमें यह लगता है कि ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं, ये आपकी कहानी नहीं है, मेरा भी करता है मन, मैं भी ऐसे लगा रहता हूं, ये भी बता दूं, ये भी बता दूं। लेकिन सच बात यह है कि ट्रेनिंग नहीं है ना, ये ट्रेनिंग है। यहाँ जो प्रोग्राम होता है 7 से 9 डिस्ट्रक्ट ट्रेनिंग, ट्रेनिंग होता कौन सा, ये मैग्नेटिक पावर है इसमें। इस तरह से कि यहाँ पर जैसे लोग बोलते हैं ना, सर हम बंद गए हैं, हमें बांध के रखा हुआ है, ये आपके अंदर से आती है आवाज, हम बांध के रखे हुए, ठीक है ना। मैं भी आपके साथ बंधा पड़ा हूँ, इस बहाने आपके साथ हर रोज मिल लेता हूँ, नहीं तो पता चलता 3-3, 6-6 महीने बाद, कईयों के दर्शन तो 4 साल बाद होते थे मेरे, लेकिन आज तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। कुछ चेहरे, कुछ लोग ऐसे हैं जो बड़े कंसिस्टेंट हैं, लगातार उन्होंने अपनी हाजिरी बना रखी है, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और आगे भी धमाका कर रहे हैं। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ दोस्तों, प्लीजेंट पर्सनैलिटी, ब्रीफ इंट्रोडक्शन और द बिजनेस। ब्रीफ वर्ड है, ब्रीफ को नोट करें, जैसे उधर प्लीजेंट है ना पहला पॉइंट, ऐसे ब्रीफ का मतलब समझें, क्योंकि मोटा मोटा ही समझ आता है लोगों को, ज्यादा ब्रीफ करते हैं ना वो कंफ्यूज और रहते हैं, बोला यार इतना कुछ समझाना पड़ेगा, मेरे बस का नहीं है, वही बिजनेस खत्म, जुड़ने से पहले खत्म आदमी, राइट। तो ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द बिजनेस और प्रोडक्ट, एंड जो डेमो भी हो उसको भी ब्रीफ कीजिए। सारी बातें आज ही मत कर लो, उसके अंदर ऐसी क्यूरियोसिटी डाल दो वो परेशान रहे, सोचता रहे ऐसा क्यों हुआ था, ऐसा क्यों हुआ था, इसमें क्या था ऐसा, वो सोचते हैं ना बार बार आपको पूछे हो, अरे ऐसा क्यों हुआ था, आपने सब कुछ बता दिया, वो क्या बोलेगा, मुझे सब पता लग गया। इसको बोलते क्यूरियोसिटी, क्यूरियोसिटी डालो सामने वाले के दिमाग में। और थर्ड पॉइंट इज क्लोजिंग, क्लोजिंग मस्ट है। कोई आपको पैसे नहीं पकड़ाएगा, ये ले लो पकड़े, 99.9% क्लोजिंग करनी पड़ती है आपको, सामने वाले को डिसीजन लेने में हेल्प करनी पड़ेगी। आप कभी ये मत सोचो मैंने प्लान दिखा दिया, डेमो दिखा दिया, आप ये खुद ही बोलेगा तो ज्वाइन करा देंगे। लोग जुड़ते नहीं है, लोगों को जोड़ना पड़ता है, लिख लीजिए। नंबर तीन पॉइंट क्लोजिंग, आप में से 50% से ज्यादा लोग क्लोजिंग नहीं करते हैं, ये आपका डाटा नहीं बता रहा मैं आपको, जितने भी लोग प्रेजेंटेशन देते हैं 50% से ज्यादा लोग क्लोजिंग नहीं करते हैं। अरे अगर मैं इसको क्लोज करूंगा ये क्या सोचेगा, क्या बोलेगा, वो बोलता पैसे नहीं है, हम मान जाते हैं, बोला टाइम नहीं है, हम मान जाते हैं, समझ नहीं आया, मान जाते हैं। आपको मैं बता दूं, सब बहाने हैं। अगर आप ने एंट्री निकालनी है, एंट्री लेनी है, आपकी नियत में है ना इसको जोड़ना है, तो दिमाग की बत्तियां जलनी शुरू हो जाएंगी। आप देखोगे इसको क्या बात बतानी है, उससे बातचीत करोगे, आप बातचीत करते करते आपको समझ आ जाएगा कौन से पॉइंट पे अब हमको ज्यादा फोकस करना है। आप उसी पॉइंट के ऊपर उसकी प्रॉब्लम को देखिए, उसकी प्रॉब्लम क्या है, कौन सी दबी हुई नब्ज है, जिसको दबाते ही ना वो बोल पड़ेगा,
नहीं अभी से करते हैं शुरू, वो क्या होता है, दैट इज कॉल्ड नीड एनालिसिस। नीड एनालिसिस जी, नीड एनालिसिस होती है जब शुरू में आप मिलते हो लोगों से, बातचीत करते हो, ज्यादातर देखिए वो किस घर में रहता है, उसके घर में कौन सी गाड़ी है, वो कौन सी जगह में नौकरी करता है, किस तरह का धंधा है उसका, उसकी फैमिली का लाइफ स्टाइल कैसा है, एक सेकंड में पता लग जाएगा आपको। कितनी देर में? एक सेकंड में। अब हम गए आंख बंद करके घुस गए, सामने वाले ने चाय पिलाई और हम चाय के लगे पड़े, चाय और उसके नमकीन बिस्कुट में टूट पड़े हम, राइट। तो दोस्तों अगर नमकीन बिस्कुट में टूट पड़ोगे ना तो ज्वाइनिंग नहीं आएगी, फिर नमकीन बिस्कुट ही खा के अपना वापस घर। प्रैक्टिकल में बता रहा हूँ, मोर देन 50% पीपल डोंट नो हाउ टू क्लोज द डील। व्हाई? बिकॉज बस दे आर इन कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन वो नहीं होता है कि घर से नहीं निकलते, वही कंफर्ट जोन है। कंफर्ट जोन वो भी होता है जहां भी जाते हो ना, लेफ्ट राइट ध्यान ही नहीं है, बगल से कोई चला गया, भाई साहब मैं तो आपके बगल में था, वहां आपने देखा ही नहीं मेरी तरफ, आपने देखा था लेकिन आप एब्सेंस ऑफ माइंड। इसलिए दोस्तों बोलते हैं जब आप किसी पास प्रोस्पेक्ट पर जाते हो ना, आपको उसकी नीड एनालिसिस करनी है, उसका लाइफ कैसा चल रहा है, उसकी जिंदगी कैसी चल रही है, क्या आपको लगता है वो सुखी है, अमीर है, कामयाब है, उसको तो जरूरत ही नहीं है पैसे की, BMW खड़ी है, मर्सिडीज खड़ी है, लंबी चौड़ा हिसाब किताब चल रहा है, बात फिर ठीक है भाई, नहीं इसको तो नहीं चाहिए होंगे। जब उसके हालात इतने खराब हैं, आप कैसे उसको एक्सप्लेन कर देंगे? अब डंडा देने की जरूरत है कि भाई अब तो बस करना है, मिलके करेंगे साथ में, और फिर दिल से, ये नहीं है कि जोड़ने तक का साथ है। क्योंकि मैंने अक्सर ये भी देखा लोगों को, जब तक कोई जुड़ता नहीं है ना उसके पीछे पड़े रहते हैं, और जुड़ने के बाद उससे जब बात वो बंदा फोन करता ना तो ऐसा लगता है कोई दुश्मन ने फोन कर दिया, उसको लगता है कि भाई साहब जुड़ने से पहले इतना प्यार और जुड़ने के बाद ऐसे रंग बदल दिया, जिसको क्या बोलते हैं उसको, गिरगिट की तरह रंग बदलना, राइट। तो प्लीज अगर आप फेल होना चाहते हैं ऐसा कीजिए, अगर फेल होना चाहते हैं, अगर फेल नहीं होना चाहते हैं, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस। मेरे फोन में कोई भी कॉल आ जाए, कोई भी, चाहे वो लीडर जो मुझे करोड़ रुपए का बिजनेस देता है या वो लीडर जो मुझे 0 रुपए का बिजनेस देता है, मैं उसका फोन अटेंड करता हूं, मैं उससे बात करता हूं, चाहे वो फालतू की बात करे तब भी मैं करता हूं। और कितना ही कामयाब लीडर मेरी टीम में है, मेरी जिंदगी में कोई आदमी ऐसा नहीं होगा जो ये बोले कि सर मेरा फोन नहीं उठाते आप, मेरे से आप बात नहीं करते हैं। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिन्होंने 0 बिजनेस दिया है जिंदगी में आज तक, उनसे आज भी बात है, चाहे मेरे से 10 साल से जुड़े हुए, 0 बिजनेस है। ऐसे भी लोगों से करोड़ों रुपए का बिजनेस देते हैं और इमीडिएट रिस्पॉन्स है, इमीडिएट रिस्पॉन्स, ये नहीं है आज फोन किया किसी ने कल रिस्पॉन्स कर रहे हैं हम, नेवर। वाई? बिकॉज दिस इज माई लव, दिस बिजनेस इज माई लव। मैं इसको इस बिजनेस से प्यार हो गया था जब मैं जो बिजनेस में आया, क्योंकि इस बिजनेस में जो मेरे को इज्जत मान सम्मान दिया ना पैसे के साथ, मैं मुझे लगता मैं तो उसके लायक था ही नहीं भाई। वो कहाँ कहाँ गंगू तेली और कहाँ राजा भोज वाली कहानी, हमें राजा भोज बना दिया कि हम गंगू तेली। सोचिए आप, आम आदमी सपने में सोच भी नहीं सकता है, वो सब कुछ पॉसिबल किया है बिकॉज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। आपके पास भी यही अपॉर्चुनिटी है दोस्तों, आने वाले 1 साल में आपके परिवार में, आपके रिश्तेदार में आपकी खुशबू महकने वाली है कामयाबी से। 2 साल में, 3 साल में, अगले 5 साल में आप अमीर हो सकते हो, कामयाब हो सकते हो, रिच हो सकते हो, आपका परिवार, आपका खानदान, आपके बच्चे मौज ले सकते हैं। बट कब? आज मेहनत करनी पड़ेगी। प्लीजेंट पर्सनैलिटी बना के रखिए 24 घंटे 365 दिन। कितने दुख है, दर्द है, अब खत्म हो गया, उसका चैप्टर क्लोज कर दो। हम पास्ट में जी रहे होते हैं, पास्ट में तो हम करंट को भी खराब करें और फ्यूचर को भी खराब करें। आप पास्ट की बातें मत करो किसी से, जब देखो फोन करो फिर पास्ट पे चले जाते हैं। जब भी कोई आदमी आपसे पास्ट की बातें करे ना, उसको बोलो भाई बंद कर दुकान अपनी, आगे की बात कर लेते हैं, ठीक है। फ्यूचर बहुत कुछ है, अभी क्या लुटा है, अभी कुछ नहीं लुटा है, अभी जो पाना है ना इतना कुछ है हमारे पास पाने के लिए, अभी लुटा कुछ नहीं है। कुछ लोगों को लगता है हम तो लुट गए, हम तो मर गए, अब से खत्म हो गई कहानी, मैं कुछ नहीं लुटा। क्या उम्र है तेरा? 50 साल। मैं कितना लुटा है अभी तक, हिसाब लगा लेना, कुछ नहीं लुटा है। अगले 5 साल में, 50 साल का हिसाब बराबर, 5 साल में उससे ज्यादा हम कर सकते हैं जो पिछले 50 साल में नहीं किया, जो पिछले 20 साल में नहीं किया, 10 साल में नहीं किया, अगले 5 साल में, 10 साल में नहीं किया,
वो अगले 5 महीने में, 10 महीने में, 15 महीने में, मतलब साल, 2 साल, 3 साल, अगले 5 साल के अंदर वो काम हो सकता है जो अगले 50 साल में भी नहीं होने वाला। और यकीन करना, हम बहुत खुश नसीब हैं। अभी आप और हम लोग इस वेबिनार में हैं, इस वेबिनार के बाहर याद करो, ध्यान दो, आप कईयों को मार्केटिंग प्लान दिखाने जाते हो, बातचीत करते हो, सुन के राजी नहीं है, समझ के राजी नहीं है, तो उनका क्या होगा रे कालिए? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, क्योंकि सभी लोग अगर इसी काम को करेंगे ना तो दुनिया के बाकी काम कौन करेगा, सोचो। तो चिंता नहीं करना, इसने क्यों नहीं सुना, इसने क्यों नहीं किया, खुश हो जाओ, पता लग गया इसकी किस्मत में भगवान ने लिखा है, तो देख के भी राजी नहीं है, जो देख के राजी नहीं है तो पक्का हो गया ना काम, या इसके नसीब में नहीं है, इसके भाग्य में नहीं है। हम टेंशन में आ जाते हैं, इसको तो करना चाहिए था, तो मेरी बहन है, मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, मेरा दोस्त है। मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है दोस्तों, मेरा बिना रिश्तेदार के मैं कामयाब हो गया। मेरे साथ में 99% लोग ऐसे हैं जो बिना रिश्तेदार के कामयाब हुए हैं, बिना भाई बंधु के कामयाब हुए, बिना दोस्त के कामयाब हुए हैं। अक्सर ये होता है जो हमारे दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, वो हमारी कमजोरी को देखते हैं, वो बोलते हैं हाँ पता है, कुछ नहीं कर सकते हो तुम, तुम्हारी बच्ची नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, फालतू में इन चक्रों में पड़ गए हो, यूं करके डिस्करेज करते हैं। वो वाली कहानी है किसी का, अब क्या बताऊं मैं आपको, कहानियां बहुत सारी है स्टोरी मेरे पास बताने के लिए, पर इससे ही बहुत समझदार के लिए बता दिया मैंने कि आपको अपने लोग तो उल्टा, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, जिनके साथ हम उठते बैठते हैं ना वो हमारी कमजोरी क्यों जानते हैं ना, आज तो वो जानते हैं, हम आज से भी मजबूर है, जो हम फेल हैं या हम कामयाब नहीं हुए जिंदगी में, उसकी एक वजह क्या है, हम अपनी आदतों की वजह से मारे गए। 99% लोगों की जिंदगी में फेल होने का एक ही वजह है, बिकॉज ऑफ देयर पुअर हैबिट। उनकी पुअर हैबिट ने उनको मार दिया, या तो नशा करते थे, या वो टाइम वेस्ट करते थे, या उन्होंने पैसे खराब कर दिए, या उन्होंने आंख बंद करके उल्टे सीधे काम कर लिए, गलत आदत हो गई ना, ब्लाइंड फेथ जिसको बोलते हैं, मारे गए। यहाँ पे 10,000 लगाने में पता नहीं कितनी तहकीकात करते हैं लोग हमारे साथ में, और कई जगह पे 10 लाख रुपए लगा देते हैं और पूरी जिंदगी फिर रोना रोते रहते हैं, मर गए हम मर गए, वहां 10-20 लाख रुपए लगाए थे, डूब गए, तो तब नहीं दिमाग लगाया था, यहाँ 10-20 हज़ार रुपए में इतना दिमाग लगाते हैं लोग, पूछो मत, है ना, पता नहीं यहाँ करोड़ रुपए लगाने वाले होंगे। तो इसलिए दोस्तों ये मार्केट का कुछ फंडामेंटल रूल है, उनको हमें फॉलो करना है, क्लोजिंग करनी जरूरी है। लास्ट पॉइंट है, तीनों पॉइंट बहुत सिंपल है, ABC। पहले आपको कैसे प्रेजेंट करना है, दूसरा कितना प्रेजेंट करना है, तीसरा क्लोज करना जरूरी है। आप क्लोजिंग करते हो या नहीं करते हो, अपने आप से पूछिए, अगर नहीं करते हो आज अपने आप से प्रण कीजिए कि मैं अपनी पर्सनैलिटी अच्छी करूंगी, प्लीजेंट रखूंगी, नंबर 1 ब्रीफ इंट्रोडक्शन रखूंगी चीजों की, नंबर क्यूरियसिटी पैदा करूंगी, और नंबर 3 क्लोजिंग करूंगी। और क्लोजिंग करने के बाद में जो जुड़ जाएंगे ना, प्लग द पीपल इनटू द सिस्टम। 4th पॉइंट क्या है, एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन में खुद भी आना है और लोगों को भी लाना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 4th फैक्टर, आपने जोड़ दिया, आपने स्कूल में एडमिशन तो दिला दी बच्चे को, लेकिन आपका बच्चा स्कूल नहीं जाता है, पढ़ाई नहीं करता है, प्रैक्टिस नहीं करता है, क्या आपका बच्चा पास हो जाएगा? नहीं। तो काम क्या करना है, उसके बाद एजुकेशन लेनी जरूरी है। एजुकेशन का फायदा क्या है कि जो यहाँ पर लोगों का 5 साल का, 10 साल का, 15 साल का जो एक्सपीरियंस है वो आपको मिलता है, आपको वो गलतियां नहीं करनी है जो हम लोगों ने की होगी, हमें वो गलतियां नहीं करनी है जो हमारे सीनियर ने की थी कभी, अब उन्होंने हमें बता दिया, हमारा काम हो गया। आई होप कि जो 4 पॉइंट है, एजुकेशन लास्ट में ध्यान रखना, पहले 3 पॉइंट पे 2 बार बता चुका हूं, 4th पॉइंट क्या है, प्लग द पीपल इनटू द सिस्टम फॉर एजुकेशन प्लानिंग एंड मोटिवेशन। इसीलिए इंटरनेशनल डायमंड नेटवर्क सिस्टम बनाया गया है, बिकॉज हम सब लोग यार डायमंड है, यू आर डायमंड, यू आर ड्रीमर्स, हम सब लोग ड्रीमर्स हैं। इस बिजनेस में वही लोग आते हैं जिनके सपने होते हैं, और जिन्हें अपने सपनों पर भरोसा होता है, खुद पर भरोसा होता है कि एक दिन ये सारे सपने पूरे करने हैं। अगर आपके अंदर ये भरोसा आ गया है, आप इस इंडस्ट्री में आ गए हो, अब बाकी पूरा होना बाकी है, सब कुछ हो चुका है, अब पूरा होना बाकी है, कितना रजिस्ट्री होना बाकी है, लास्ट के वो हो गया है, डाउन पेमेंट हो गई है, पेमेंट भी हो गई है, जो फाइनल रजिस्ट्री करनी पड़ती है ना, वो बाकी है। तो आपके सपने सारे पूरे होंगे, मैं इस उम्मीद के साथ
आपको शुभकामना देता हूं। और ये जो चारों पॉइंट है हमारे आज, इन चारों पॉइंटों को खुद भी फॉलो करोगे और अपनी टीम को भी टीच करोगे। इतना सिंपल बिजनेस है, 1 2 3 4, कितना इजी है, 1 2 3 4, बता दिया ना मैंने आपको, इतना आसान बिजनेस है। अगर करेंगे तो, अगर नहीं करेंगे तो फिर तो पता है आपको, साइकिल चलाने में मुश्किल है, कार चलाने में मुश्किल है, तैरना भी नहीं आता है ना, कुछ भी नहीं आता है, लिखना भी नहीं आता है, पढ़ना भी नहीं आता है, बोलना भी नहीं आता है। क्यों? प्रैक्टिस नहीं किया। करते 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 करत करत अभ्यास के जड़ मत होत सुजान, है ना। तो आई होप सो कि आज के इस बेसिक प्रिंसिपल से, बेसिक बातों को फॉलो करते हुए आप जिंदगी में सारी खुशियां हासिल करें त्यांग से, और बेटर त्यांग बेटर लाइफ आपके लिए। वंस अगेन ऑल द बेस्ट।